सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे साथ में है यूनिकॉर्न 160 और इसका आज हम राइड रिव्यू करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था, मैंने इसका ओवरव्यू बताया था, यानी कि वॉक अराउंड बताया था, और उसमें मैंने राइड रिव्यू नहीं दिखाया था। तो अभी हम इसका राइड रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि बाइक राइड करते वक्त हमें कैसी लगती है राइड रिव्यू करके। तो अभी गाड़ी जो देख रहे हो, मैं अभी राइड रिव्यू कर रहा हूँ। बाय द वे गाइस, मैंने इसका जो वीडियो है पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, बट इसका जो वॉइस है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ठीक से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या फिर माइक निकल गया होगा, इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर। इसकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। जो आप सीटिंग पोजीशन देख रहे हो, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, कंफर्टेबल इस पर आप बैठ सकते हो और ज़्यादा लंबी राइड तक कर सकते हो। जो सिटी में राइड करते हैं डेली, जिनका रूटीन है राइडिंग करने का 40-50 किलोमीटर का, वो लोग कंफर्टेबल इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। ये एक कमोटर बाइक है, कमोटर बाइक में काफ़ी अच्छी बाइक मानी जाती है, और इसका जो राइडिंग, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग आपको फील होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ, और इसका पावर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तब ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबली बूस्ट हो जाती है, 5-6 सेकंड में ही ये गाड़ी आपको पिकअप देने में देखेगी। और आप देख सकते हो, मैं अभी इसका थोड़ा सा रेस करके देखता हूँ। आप देख सकते हो, नॉर्मली इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं होते, जब आप 80 के ऊपर जाते हो तब जाके थोड़े बहुत इसमें आपको वाइब्रेशन फील हो जाते हैं। और काफ़ी अच्छी बाइक है चलाने के लिए, और रेसिंग भी काफ़ी अच्छी है। मतलब रेस जब पिकअप गाड़ी पकड़ती है तो काफ़ी अच्छे तरीके से पिकअप पकड़ लेती है। देख सकते हो, मैं अभी इसका जो है सस्पेंशन चेक कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। देख सकते हो, कंफर्टेबल बाइक चला रहा हूँ। यहाँ पे जो रास्ता है, ऑफ रोड पे मैं थोड़ा सा राइड कर रहा हूँ, लेकिन कम्फर्टेबली बाइक चल रही है। मेरा जो वहाँ का फील था काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा भी, मतलब जो ये बोलते हैं ब्रेक्स या फिर गचके जो लगते हैं वो ज़्यादा नहीं थे, काफ़ी कंफर्टेबली मैं राइड कर रहा था। और जैसे कि बात करूँ इसके गियर के बारे में, तो गियर भी काफ़ी स्मूथली गियर गिरते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता गियर डालने में। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, पीछे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, गाड़ी की राइड मैंने ऑफ रोड करी है, तो काफ़ी अच्छी इसके सस्पेंशन है। और इसके ब्रेक्स के बारे में बात करते तो इसमें सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है, और इसमें ड्यूल डिस्क का वेरिएंट नहीं है, इसमें सिंगल डिस्क ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके अभी हम थोड़ा सा ब्रेक के बारे में देखते हैं, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। सामने वाला ब्रेक है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जो डिस्क वाला ब्रेक है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है जैसे कि आप देख रहे हो, और जो पीछे वाला ब्रेक है वो थोड़ा सा कम गिर जाता है। ये जो बाइक है काफ़ी पॉपुलर है, मतलब मीडियम रेंज वाली जो ये रहते हैं लोग रहते हैं जो कमोटर बाइक को ज़्यादा प्रिफ्रेंस देते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बाइक है। इसके अभी फ़िलहाल जो प्राइस है 1,30,000 के आसपास है ऑन रोड प्राइस, शोरूम में आप चेकआउट कर सकते हो इसको अगर लेना है तो। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल इससे राइड कर सकते हो, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी कंफर्टेबल इसे आप चला सकते हो। हॉर्न भी काफ़ी लाउड है, जैसे कि मैंने वॉक अराउंड में दिखाया था, जिसके इस बाइक की सारी डिटेल मैंने वॉक अराउंड में बताई थी। तो अभी हम छोटा सा एक टर्न करके देखते हैं कि जो गाड़ी का टर्निंग रेशियो है कैसा है। तो टर्निंग रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी छोटे से कम में ही रास्ते में आराम से, मतलब टर्न कर लेती है, और इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है और कम है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी काफ़ी कंफर्टेबली मैं बाइक चला रहा हूँ, और जितनी ज़्यादा देर तक आप बाइक चलाओगे उतना आपको थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि इसकी जो राइडिंग है वो बिल्कुल भी थकान महसूस कराने वाली नहीं है, क्योंकि ये कमोटर बाइक है और इसमें एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन नहीं है। इसमें आपको 5 गियर देखने के लिए मिल जाती है, BS6 वाला वेरियंट है, FI इंजिन, फ्यूल इंजेक्टेड वाला इसमें देखने के लिए मिल। इसका साइलेंसर नोट आपने सुनाया होगा, तो काफ़ी प्योर हो चुका है और काफ़ी रिफाइन हो चुका है जैसे कि बात किया जाए तो। तो राइडिंग काफ़ी अच्छी है, बाइक इसे परचेस कर सकते हो, कोई भी इसे आराम से चला सकता है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है बाइक की। बात किया जाए लास्टली, अगर डेली रूट के लिए, डेली राइडिंग के लिए, तो ये बाइक काफ़ी अच्छी है डेली राइडिंग के लिए, और रेगुलर राइड करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी बाइक है, इसे कंफर्टेबली आप ले सकते हो। प्राइस 1,30,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है ऑन रोड प्राइस। इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस, अभी इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वॉक अराउंड में मैंने बताया है पूरा डिटेल में। तो इसके सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, ब्रेक्स भी, आगे वाला ब्रेक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, पीछे वाला ब्रेक जो है वो कम रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा सा ड्रम ब्रेक है इसीलिए। तो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सेम ही है पिछली गाड़ी की तरह, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और अगर लेना है तो चेकआउट कर सकते हो शोरूम में। ये था बाइक का राइड रिव्यू, और यहाँ का राइड रिव्यू जो है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे, सेफ रहिए, घर में ही रहिए, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की टेक केयर कीजिए, काळजी घ्या आपल्या परिवाराची। सो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, डू व्हाट यू वांट, गो द वे यू वांट।
इसका राइट रिव्यू। अगर नए कुछ वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेट्स बाय और स्टे सेफ स्टे सिक्योर। अभी परिस्थिति काफ़ी विकट हो चुकी है तो अच्छे से घर पे रहना, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइजर यूज़ करना और देखते हैं कि आगे हम कौन कौन से वीडियो बना सकते हैं क्योंकि अभी तो परिस्थिति काफ़ी विकट है। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।